हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 7 जनवरी है और आज के वीडियो की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट examguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले जानकारी, एमपीपीएससी प्री के लिए फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे हमारी चल रही हैं। रोज शाम को 8 बजे क्लास होती है, तो आप इसे देख सकते हैं। साथ में पीएससी के लिए ही क्रैश कोर्स अवेलेबल है, एमपीएससी 2019 के लिए टेस्ट सीरीज और एमपीपीएससी 2019 के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। FSSAI के द्वारा जारी किए गए नए नए खाद्य पैकेजिंग नियम कब से लागू होंगे? तो ये लागू किए जाएंगे 1 जुलाई 2019 से। दूसरा प्रश्न, देश के कितने जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शामिल कर लिया गया है? प्रारंभ में ये 6 जिले थे, अब देश के सभी जिलों में ये लागू कर दी गई है। तीसरा प्रश्न, भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में पहला व्यवसाय प्रमुख कौन घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया विजय माल्या को। वहीं तीसरा चौथा प्रश्न है कि एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना मेघालय के ऊपर लगाया गया है। वहीं पांचवा प्रश्न है कि पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस आसिफ खोया है, जो पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि 27वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। सातवां प्रश्न है कि एशिया कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो सबसे ऊपर इसमें आंध्र प्रदेश है। वहीं आठवां प्रश्न है कि किस राज्य के 15 वर्षीय वाहेंगाम लमगनवा सिंह को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और ये किया जाएगा मणिपुर के है ये। वहीं नवा प्रश्न है कि कौन सा शहर 6 जनवरी 2019 को 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी कर रहा है? और ये वडोदरा के द्वारा की जा रही है। वहीं 10वां प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? और ये बन गए हैं ऋषभ पंत। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न, और अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो काफी पुरानी परियोजना थी ये और ये रखी गई है झारखंड के अंदर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री झारखंड और उड़ीसा की यात्रा पर गए हुए हैं। अब इसमें डिटेल देख लीजिए कि दोनों जगह पर क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में मंडल बांध परियोजना की 2,391.36 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इसमें नींव रखी है। दूसरी, उन्होंने ओडिशा के बारीपादा जगह में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एलपीजी पाइपलाइन के लिए, ठीक है, वालसेवर हल्दिया दुर्गापुर सेक्शन और वालसेवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया, यानी इनका उद्घाटन किया गया है। अब बात करेंगे इन दोनों राज्यों की। सबसे पहले झारखंड की, झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के रघुवर दास है, जबकि यहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। ओडिशा की हम बात कर लें, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है पिछले प्रश्न की ही तरह। अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग 7 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचेंगी? तो भारत की यात्रा पर आ रही है और ये किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है, नॉर्वे। इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री एर्ना सोलबर्ग भारत की 3 दिन की यात्रा पर आ रही हैं। वे यहां मिलेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से। साथ में ये मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी। अब बात करेंगे हम नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? एर्ना सोलबर्ग। और मुद्रा यहाँ की नॉर्वेनियाई क्रोन, और एक इंडियन रुपीज में 8 नॉर्वेनियाई क्रोन होते हैं। चलिए एक नॉर्वेजियन क्रोन में 8 इंडियन रुपीज होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको नॉर्वे लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको जाना है नॉर्वे के लिए तो आपको मूव करना होगा पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम में आप मूव करेंगे तो यहां पर आपको देश दिखाई देगा, वो है नॉर्वे। कौन सा देश है नॉर्वे? ये देखिए, ये है नॉर्वे, राइट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्वे है और ये आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल आपने नाम सुना होगा इसका। तो ये आर्कटिक सर्कल है, जैसे भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, और उसके ऊपर कर्क रेखा है, उसके ऊपर नीचे मकर रेखा है, तो ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम ये नॉर्वे की। तो नॉर्वे जो है कहाँ कहाँ, इसकी राजधानी कौन सी है? ये ओस्लो इसकी राजधानी। आसपास कौन कौन से देश हैं? तो आसपास इसके स्वीडन है, इस तरफ देखेंगे इस तरफ फिनलैंड लग गया, इस तरफ इसकी सीमा रशिया से लग जाती है,
नीचे की तरफ देखेंगे तो डेनमार्क है इसकी, ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए, और इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे को, राइट है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने कि किसने उर्वरक विभाग के सचिव के रूप में पदभार जो है ग्रहण कर लिया है, संभाला है, और ये पदभार जो संभाला है इनका नाम है छबिलेंद्र राउल। सी ऑप्शन सही है, छबिलेंद्र राउल जो बनाए गए हैं ऊर्जा विभाग, उर्वरक विभाग के सचिव बनाए गए हैं। डिटेल लिख लीजिए इनकी, क्या सबसे पहले कि छबिलेंद्र राहुल को भारत सरकार का जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उस विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। कार्यकाल क्या है इनका, तो 31 दिसंबर 2018 से काम इनका शुरू हो गया था, ठीक है, और इस किसके स्थान पर बनाया है गया है इनको, तो इन्हें श्रीमती भारती एस सिहाग जो IAS थी उनकी जगह ली थी, और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करके वो रिटायर हो गई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चौथा कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, तो ये योजना शुरू की गई थी और इसके तहत 1,065 स्टेशनों का उन्नयन रेलवे के द्वारा किया गया है, इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है ये योजना। तो 2009-10 के अंदर प्रारंभ हुई थी आदर्श स्टेशन योजना, ठीक है, और इस योजना के तहत अभी तक आधुनिकीकरण की दिशा की गई और अब तक 1,065 स्टेशनों का जो है उन्नयन किया जा चुका है। उन्नयन में क्या क्या किया जाता है, तो इसमें एक निरंतर प्रक्रिया होती है, इसमें यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाया जाता है, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से यातायात का विस्तार किया जाता है, फंड की बहुत सारी चीजें इसमें की जाती है, कुल मिला के जो स्टेशन है उनको अपग्रेड किया जाता है, राइट, तो ये इसमें 1,065 स्टेशनों का अपग्रेडेशन किया जा चुका है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, पांचवा कि किस देश के नौसेना प्रमुख भारत के दौरे पर आए हैं, ठीक है, तो किस देश के नौसेना प्रमुख हैं, तो ये हैं फ्रांस के नौसेना प्रमुख, ए ऑप्शन इसका सही है। इनकी डिटेल लिख लीजिए, सबसे पहले कि फ्रांस की नौसेना के नौसेना प्रमुख एडियम क्रिस्टोफ प्रायोजिक, ये जो है रायसीना संवाद चल रहा है इसके लिए संयोजन के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं 8 से 9 जनवरी के बीच में। उद्देश्य क्या है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय जो नौसैनिक संबंध हैं उनको मजबूत करना और एक दूसरे के और क्या सहयोग कर सकते हैं उसके लिए जगह देखना, राइट। बात करेंगे हम फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है कि इमानुअल मैक्रो, और यहाँ एक अभी अभियान चल रहा है पीली कुर्ती अभियान या पीली बनियान अभियान करके, येलो वेस्ट, ठीक है, उसके नाम से, क्यों वहां पर जो प्राइस हाइक हुए हैं पेट्रोलियम के उसको लेकर। मुद्रा की बात कर लेते हैं तो यहाँ की मुद्रा यूरो, एक्चुअल में यहाँ की मुद्रा यूरो है, 1 यूरो के अंदर 79 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं फ्रांस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको फ्रांस के लिए जाना है तो मूव कीजिए पश्चिम में, क्या यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, तो आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा ये जो कंट्री है ये फ्रांस है, राइट। फ्रांस के आसपास कौन कौन से देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, वो सब आप देख लीजिए मैप में अच्छे से। ये इसकी राजधानी है पेरिस, ठीक है, इस तरफ बेल्जियम लगा हुआ है, छोटा सा देश यहाँ लग्जमबर्ग लगा हुआ है, इस तरफ जर्मनी है, इस तरफ स्विट्जरलैंड है, इस तरफ देखेंगे तो आप इटली है, ठीक है, इस तरफ स्पेन लगा है, और ऊपर देखेंगे तो ये यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, राइट, और इस तरफ बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी है, ठीक है, तो ये इसके आसपास के देश हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला छठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स H6K बॉम्ब बे के नाम से बनाया है, ठीक है, तो ये बनाया गया है चाइना के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब क्यों कहा जाता है, इसकी डिटेल लिख लीजिए कि चाइना ने भयंकर विनाशकारी एक बम बनाया है, नाम है H6K बॉम्ब बे, इसका निर्माण किया है, और इसका निर्माण क्यों किया है कि अमेरिका की तरफ से एक और इस प्रकार का बम बनाया गया था, इसका नाम था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के जवाब में इसको निर्माण किया गया है, और उससे ज्यादा विनाशकारी है ये, और ये बम जो है परमाणु बम के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली बम माना जाता है। बात करेंगे अब हम चाइना की, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और मुद्रा यहाँ की युआन या रेनमिनबी है, और 1 युआन के अंदर लगभग 10 इंडियन रुपीस होते हैं। मैप में आपको चाइना दिखाने की जरूरत नहीं, मैं काफी बार दिखा चुका हूं, तो आज हम चाइना को स्किप कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि सातवां प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय में टाइम कैप्सूल को 100 वर्षों के लिए जमीन में दबाया गया है, और ये दबाया गया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि कहां पर है, जालंधर में, ठीक है, वहां पर अभी 106वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था और उसी में ये किया गया है, इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई थी, और उसमें इसराइल के जो नोबेल पुरस्कार से विजेता वैज्ञानिक हैं एवराम एर्शोके और अमेरिका के वैज्ञानिक एफ डंकन एम
हल्डाने, इनके द्वारा 4 जनवरी को वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है और भारत का जो वैज्ञानिक कौशल है उसको जो है प्रदर्शित करने वाली, प्रतिनिधित्व करने वाली 100 वस्तुओं का एक कलेक्शन जो है एक टाइम कैप्सूल के द्वारा जमीन में दबाया गया है। अच्छा, ये वस्तुएं क्या क्या हैं और इसमें क्या दबाया गया है? तो 100 वस्तुएं इसमें शामिल हैं जो भारत के अनुभव की जाने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो राइट, चलिए अभी टाइम कैप्सूल होता है क्या? देखिए, टाइम कैप्सूल क्या होता है, इसमें कुछ चीजों को या जो भी दस्तावेज या जो भी चीज हम रखना चाहें उसको जमीन में दबा दिया जाता है और निश्चित समय सीमा के लिए, और उस पर एक लिख दिया जाता है कि कब इसे ओपन करना है। तो 100 साल बाद ये जब ओपन करेंगे तो समझ सकेंगे कि भारत में क्या चीजें उस समय रही होंगी। तो क्यों है ये विशेष कि धरती में 100 वर्ष तक दबा रहेगा, और इसका उद्देश्य आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी वो वर्तमान भारत की तकनीक के बारे में अवगत कराना उनको इसका उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 8वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की तरह तरफ जो बढ़ रहे तूफान है उसका नाम क्या है, और इसने जो है काफी परेशान भी की हुई है, और इस तूफान का नाम जो है पावुक तूफान है। इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है, पावुक तूफान। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसने कहा है, चेतावनी जारी की है कि अंडमान सागर पर एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, नाम है पाबुक। 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर ये बढ़ रहा है, और पाबुक की उत्पत्ति थाईलैंड की खाड़ी में हुई थी, जहां 4 जनवरी को ये थाईलैंड के नाफुंसी जो थमरत प्रदेश है वहां से भूस्खलन हुआ था, वहां टकराया था, ठीक है। और इसमें थाईलैंड में 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इसकी वजह से। बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट वो इसी अंडमान निकोबार में ही स्थित है, जो सुनामी के समय डूब गया था। चलिए बात करेंगे अब 9वें प्रश्न की कि किस बैंक और SREI, ये उपकरण वित्त है, इसके द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त के लिए समझौता किया गया है, और ये समझौता किया गया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI और SREI उपकरण वित्त ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए एक समझौता किया है। क्या समझौता किया है? इसके तहत UBI जो है 11 और 12% की मिश्रित ब्याज दर पर ऋण की पेशकश करने के लिए सह उधार मॉडल का लाभ उठाने की योजना बनाई है, ताकि दोनों से लाभ उठा सकें। राइट, अब बात करेंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की। स्थापना 1950 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ इसका? कोलकाता में। MD और CEO वर्तमान में अशोक कुमार प्रधान साहब है। चलिए, और इसका यूनिक बैंकिंग आइडियाज, ये इसकी टैगलाइन है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, जो कि 10वां है कि सरकार ने किन 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकल बैंक में समाकलित किया है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करें वो 3 बैंक अलग हैं, और ये किन के लिए किया गया है? तो ये किया गया है, इसका सी ऑप्शन सही है, कि पंजाब ग्रामीण बैंक, और इसमें से नर्मदा आप हटा दीजिए, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक एक्चुअली में पंजाब के बैंक है, और अब इन सबको मिलाकर बना दिया जाएगा पंजाब ग्रामीण बैंक, याद रखिएगा। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB, ग्रामीण बैंकों को RRB कहा जाता है, ठीक है, और इनका नाम है पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक, इनको मिलाकर सरकार द्वारा एकल RRB में समामिलित किया गया है, यानी मिला दिया गया है, और ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, ठीक है, पंजाब सरकार और पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब ये जो है इन RRBs के प्रायोजक हैं, जिनको इन्होंने प्रायोजित किया हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आखिर होते क्या हैं। तो ये छोटे और सीमांत जो किसान होते हैं, खेतिहर मजदूर होते हैं, कारीगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाले उद्यमी होते हैं, उनको ऋण और अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इनको बनाया गया है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे कि किस राज्य के लिए 25वें अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, तो ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था, और इसका उत्तर दिया है राम गोपाल रोहित ने। इन्होंने बताया है कि 25वां हाईकोर्ट जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बन गया है, 1 जनवरी 2019 को इसने काम करना प्रारंभ कर दिया, बना है अमरावती में, और इसके न्याय जो है प्रधान मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन होंगे। चलिए अब आते हैं आज के प्रश्न की तरफ कि अंडमान निकोबार के किन 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया है। तो इसका मुझे आप जवाब दीजिएगा कि अंडमान निकोबार के किन 3 द्वीपों का नाम बदला है, और बदल के क्या कर दिया गया है, और भी जो कुछ आप बताना चाहें। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। आज की बात हम करेंगे यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।